सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ज्ञान। दोस्तों, भारत रागी का सर्वोच्च उत्पादक है और इसके वैश्विक उत्पादन का लगभग 58% योगदान देता है। बहुत कम भारतीय इसके पोषण संबंधी तथ्यों के बारे में जानते हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जो अपने आहार में रागी को शामिल करने के लाभों से अनजान हैं, तो आइए जानते हैं रागी के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, हड्डियों के विकास में। अगर कैल्शियम सामग्री की बात आती है तो कोई अन्य अनाज रागी के करीब नहीं आता है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हड्डी के विकास के मामले में कैल्शियम एक महत्वपूर्ण कारक है। कैल्शियम की गोलियों के बजाय बढ़ते बच्चों के आहार में रागी कांजी या दलिया शामिल करना इसके लाभ उठाने का एक अच्छा तरीका है। नंबर दो, वजन कम करने में। रागी में जो फैट है वह अन्य सभी अनाजों से कम है और यह अनसैचुरेटेड फैट है, इसलिए गेहूं और चावल के बदले रागी लेना वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड होता है जो भूख को कम कर देता है। इसके गुणों का लाभ उठाने के लिए इसे सुबह लेना सबसे अच्छा है, ताकि आपका पेट पूरा दिन भरा रहे। नंबर तीन, फाइबर में उच्च है। सफेद चावल की तुलना में रागी में उच्च मात्रा में आहार फाइबर होता है। इसके कारण रागी पाचन में सहायता करता है, ज्यादा खाने से बचाता है और आपको काफी समय तक पूर्ण महसूस कराता है। नंबर चार, डायबिटीज में फायदेमंद है। उच्च पॉलीफेनॉल और फाइबर सामग्री का एक अन्य फायदा है। डायबिटीज के रोगी रागी पर विश्वास कर सकते हैं, ताकि ग्लूकोज स्तर में बढ़ोतरी तेजी से न हो। नियमित रूप से जिन आहार में रागी शामिल होता है वह कम ग्लाइसेमिक प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। इसे आपके सुबह के भोजन में शामिल करने या दोपहर के भोजन में लेना सबसे अच्छा है, ताकि पूरा दिन आपके सिस्टम को ट्रैक पर रखा जा सके। नंबर पाँच, एनीमिया में भी फायदेमंद है। रागी आयरन का उत्कृष्ट स्रोत है। एनीमिया और निम्न हीमोग्लोबिन स्तर से पीड़ित रोगी अपने आहार में रागी को शामिल करना शुरू कर सकते हैं। यह एक घरेलू उपचार की तरह ही साबित होगा। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करने के लिए जाना जाता है। एक बार रागी अंकुरित हो जाए तो विटामिन सी का स्तर बढ़ जाता है और खून में आयरन का और अधिक अवशोषण होता है। नंबर छः, हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में। विकास के अपने प्रारंभिक दौर में जब रागी हरा होता है, यह हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद कर सकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम किया जा सकता है, जिससे रक्त वाहिकाओं में रुकावट को भी कम किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा काफी नीचे चला जाता है। नंबर सात, ग्लूटेन फ्री। सिलिएक रोग वाले लोग या ग्लूटेन फ्री आहार लेने वाले लोग रागी को अपनी दैनिक खपत में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्लूटेन से पूरी तरह मुक्त है। ज्यादातर अनाजों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लूटेन सभी अनाजों में एक प्रमुख पोषक तत्व है। नंबर आठ, रागी दलिया शिशुओं के लिए उपयोगी है। दक्षिण भारत में जहां रागी का व्यापक रूप से उपयोग होता है, 28 दिनों के जन्मे बच्चों को उनके नामकरण में रागी दलिया खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रागी बेहतर पाचन को बढ़ावा देता है। इसमें मौजूद उच्च कैल्शियम और आयरन हड्डी विकास और शिशु के समग्र विकास के लिए उपयोगी है। शिशुओं को माँ का दूध छुड़ाकर कुछ खिलाने की प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से रागी पाउडर व्यापक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर नौ, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए फायदेमंद है। स्तनपान कराने वाली माताओं को रागी को आहार में शामिल करना चाहिए, विशेषकर तब जब यह हरा होता है, क्योंकि यह माँ के दूध को बढ़ाता है और दूध को आवश्यक एमिनो एसिड, आयरन और कैल्शियम प्रदान करता है, जो माँ के लिए पोषण के लिए आवश्यक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।